तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारा फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टिप विद आदेश में। और आज हम उपलब्ध हैं नानोता में। नानोता में ये जो जगह है जो आप देख पा रहे हैं, ये जामा मस्जिद के पास है। और यहाँ से जो हमने एक वीडियो पहले भी दिखाई थी आपको, जिसमें हमने मौलाना कासिम नानोती साहब का घर दिखाया था, पुश्तैनी घर, उसी के पास एक ये जगह है। और इसका नाम भैया बताएंगे और इसकी पूरी जानकारी आज एक बार फिर से अग्नि सिद्दीकी साहब देंगे। एक बार बताइए सर, आप क्या दिखाने वाले हैं आज? ये मदरसा है जामे याकूबिया, जो 1992 के अंदर जो है ये रेडी हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी। ये हज़रत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकान है, पुश्तैनी मकान है। उनके वालिद का मौलाना ममलूक अली रहमतुल्लाह अलैह, जो उस्ताद कुल थे मौलाना कासिम साहब, मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई और सर सैद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, इन सब के जो टीचर थे, उस्ताद थे, ये उनका मकान है। उनके बेटे थे मां याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हमजुल्फ यानी साढ़ू होते थे मां कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के, जिनकी दोनों की मिसेज आपस में रियल सिस्टर्स थी। ओके। ये उन्हीं के मकान में मेरे वालिद कारी मोहम्मद हिशाम साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने ये मदरसा कायम किया था 92 के अंदर। इसकी नींव मौलाना अरशद बद्दी साहब ने रखी थी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है। आगे की जानकारी अब जो है अकमल साहब देंगे। ये हज़रत मौलाना ममलूक अली रहमतुल्लाह अलैह का मकान है, जो उस्ताद कुल थे मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, सर सैद जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क़ायम करी है, उन सब के टीचर थे। और उनके बेटे जो मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुलूम के अव्वल सदर मुदर्रिस थे, यानी फ़र्स्ट टीचर्स जो थे, प्रोफेसर जो थे दारुलूम के, और मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के साढ़ू होते थे, यानी हमजुल्फ, दोनों की मिसेज जो थी आपस में रियल सिस्टर्स थे। okay. ये उनका मकान है और इसे मेरे वालिद मोहतरम ने वहाँ कारी हिशाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो है 92 के अंदर इसे इस्टेब्लिश किया था, गरीब बच्चों के लिए और जिन्हें कोई नहीं पढ़ाता या जिनके यहाँ पढ़ाई डेट में भी यहाँ पे पढ़ाई होती है। पढ़ाई चालू है इस वक्त है, इस वक्त भी पढ़ाई चालू है और फिफ्थ क्लास तक के स्कूल है इसमें, प्राइमरी बच्चों का है, छोटे बच्चों का है। और इतने बच्चा फिफ्थ क्लास तक करता है, इतने हाफिज़ कुरान भी हो जाता है बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, और दीन और दुनिया दोनों चीज़ यहाँ पर सिखाई जाती है जी। तो यहाँ के बारे में कुछ ऐसी कुछ जो ऐतिहासिक जानकारी है वो भी दीजिए। और आप जो है एक वो सुरंग के बारे में बता रहे थे, कुछ एक सुरंग आती थी जो महा मौलाना कासिम नानोत्री साहब के जो मकान से होकर के निकलती थी और मस्जिद में भी जाती थी और इस मकान में भी आती थी, उसके बारे में एक बार बताइए, उसको दिखाइए। असल में ये सामने मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह का हुजरा है, इसी में उनका इंतकाल हुआ और इसमें से एक रास्ता था जो मस्जिद में निकलता था। तो आइए उसको दिखाते हैं, चलते हैं। ये हज़रत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह अव्वल सदर मुदर्रिस का हुजरा ख़ास है, इसी के अंदर से वो रास्ता है, यही उनकी इबादतगाह हुआ करती थी। यह हुजरा है, सिर्फ इस पर लिंटर डला है और प्लास्टर लगा है, बाकी सारी वही दीवारें हैं। और ये अलमारी हमने बाद में बनवाई थी, इस ये दरवाज़ा हुआ करता था जो मस्जिद में निकलता था, इसके और मस्जिद के बीच में 8 फुट की चौड़ाई है और इसी में मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से जो वो सुरंग आती थी वो इसी के नीचे से ही निकल के आती थी। इससे पहले वीडियो में हमने आपको मौलाना याकूब साहब की जो है एक वीडियो दिखाई थी जिनमें उनका पुश्तैनी घर दिखाया गया था, तो उसके मौलाना कासिम साहब की, तो उसमें जो है एक सुरंग थी जो हमने आपको दिखाई थी, जो बंद कर दी गई थी, जो अंदर से आज की डेट में वो बंद है। तो वो सुरंग यहाँ पे निकलती थी, इन भैया ने इस मकान में उसको यहाँ से बंद करा दिया था। और यहाँ से कितनी दूरी है सर? 8 फुट की दूरी है, मतलब मस्जिद की दीवार साथ में, लेकिन बीच में वो गैप है जी हाँ, कि उसमें रास्ता एक नीचे से वो आ रहा था, सुरंग का स्टेज चढ़ रही है जी हाँ, और यहाँ से रास्ता था
और एक पीछे उधर मस्जिद का गेट था जी। तो रात को जैसे तहज्जुद के लिए आते थे तो ना तो मेन गेट से आते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था कि कब वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो इस किसी को एहसास भी नहीं होता था। ये भी रात को अपने आराम कर रहे हैं, कहीं मस्जिद में चले गए, ये वो हुजरा है। इसके बारे में, इस कमरे के बारे में कुछ और यादें, कुछ और बातें जो कोई ऐसी जानकारी हो आपको? इसका उस वक्त का हमारे जो नाना थे माँ याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते, उन्होंने कई चीज़ें बता रखी है, लेकिन कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे एक मरतबा खाना खा रहे थे तो अब ये बड़ा अजीब सा लगेगा अगर मैं आपको सुनाऊँगा, जानकारी दीजिए आप। तो दो वाक्य आपको मैं बताता हूँ यहाँ के। एक का तो मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी अपने बयाज़ में लिखा हुआ है। मौलाना अशरफ अली थानवी इनके शागिर्दों में थे, मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह, और उन्होंने 400 से ऊपर किताबें लिखी हैं मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखी हैं। और जितने भी दारुल उलूम से फारिग लोग हैं, जो भी दारुल उलूम में पढ़ते हैं, कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो दुनिया में इन्हें ना जानता हो जी। तो यहाँ क्या कहते हैं, हजरत आए देवबंद से, पैदल सफ़र हुआ करता था, तो कुछ बच्चे आए, उन्होंने सोचा मजाक करने की, अल्लाह हमारे आपकी उम्र जैसे लड़के होंगे। उन्होंने कहा हज़रत एक इंतकाल हो गया है और उसकी ख्वाहिश थी कि आप उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाएं। तो याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मना कर दिया कि भाई किसी और से पढ़ा लो, मैं नहीं पढ़ाने का। मैंने कहा नहीं हज़रत, उसकी ख्वाहिश थी। बहुत मना करा, माने नहीं। तो कहा बेटा किसी और से पढ़ा लो, मान जाओ मेरी बात। उन्होंने कहा नहीं हज़रत, आपसे ही। तो खैर चल दिए। उन्होंने कहा मैं जनाजे की नमाज़ पढ़ाऊँगा। उनका मकसद था कि वो नमाज़ पढ़ा रहे होंगे, हम छेड़ करेंगे थोड़ा सा, वो उठाएंगे तो फिर मजाक बनाएंगे उनका थोड़ा सा। तो गए और जाके जो है उन्होंने कहा भाई आप तैयार हो? उन्होंने कहा हाँ जी, इजाज़त है। वो खड़े हुए 5 मिनट तक के खामोश खड़े थे। वो कहने लगे जी आप नमाज़ पढ़ाइए। उन्होंने इशारा करा, खामोश हो, 5 मिनट तक खड़े रहे। उसके बाद में कहा इजाज़त है कि जी? उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। वो जब नमाज़ पढ़ा रहे तो बीच में लड़के उसे उठाने के लिए आवाज़ देने लग गए, वो उठा ही नहीं। सलाम फेर दिया। उन्होंने कहा जाओ ले जाओ, इसे दफना दो। उन्होंने कहा इज़्ज़त क्या मतलब? उन्होंने कहा मैंने कहा था मैं जनाजे की नमाज़ पढ़ाऊँगा, आप इसे दफना दीजिएगा ले जाके। और उन्होंने देखा तो वाकई में उसमें रूह तो थी। फिर वो एक ने भाग के पूछा था आप 5 मिनट क्यों खड़े थे? उन्होंने कहा उस वक्त उसकी रूह कब्ज़ हो रही थी, उसकी रूह निकाली जा रही थी। इसलिए एक ये किस्सा और भी हैं, तो ये भी जो है एक अमेजिंग फैक्ट है यहाँ का। तो कुछ और जानकारी सर? और क्या, बस इसमें तो 250-300 सालों से वैसे ही बच्चे पढ़ते आ रहे हैं जी। यहाँ आज आप देखेंगे तो आलिम हो रहे हैं जेंट्स में, लेकिन उस वक्त में यहाँ पे गांव की आसपास की कई औरतें जो है आलिमा होती थी जी। मतलब पढ़ाई कई 100 सालों से इसमें होती आ रही है। गांव की बच्चियाँ इसी घर में रहती थी और यहीं पढ़ा करती थी, यहीं रहती थी पूरा ये। हाँ, मतलब मदरसा नहीं था, मतलब घर के अंदर, लेकिन एक इल्म का गहवारा था ये जी। हाँ, अभी भी एक इंतकाल हुआ बराबर माधोपुर गांव में, माधोपुर के जितने बड़े बुज़ुर्ग रहे और अभी भी कुछ एक दो हयात हैं, वो सब इसी घर से पढ़े हुए हैं। स्कूल वगैरह तो होते नहीं थे उस वक्त में, बहुत कम, एक आधा कोई प्राइमरी स्कूल हुआ हुआ, हमें तो पता नहीं हमारे से पहले का होता जी। हाँ, तो आगे चलते हैं और इसमें कुछ और देखते हैं आगे, और मकान को आपको इस मदरसे को दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये वज़ू खाना है, ये मदरसे की मस्जिद है, असल में जब बच्चे नमाज़ के लिए मस्जिद जाया करते थे तो सबकी शिकायत थी कि बच्चे दंगा करते हैं, तो इस वजह से जो है बच्चों के लिए हमने ये अलग से मस्जिद बना दी थी। जुमा के लिए मस्जिद में जाते हैं, बाकी नमाजें सब सारी इसी के अंदर होती हैं। करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल ट्रिप विद आदेश को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अकमल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी ये जो है मदरसा और स्कूल दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कुछ और बताना चाहेंगे आप? जज़ाकअल्लाह खैर, बस दुआ करते रहिएगा जी। हाँ, और आदेश भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।
तो बनिएगा ट्रिप विद आदेश के साथ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल हमारा ट्रिप विद आदेश। तो किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए सब्जेक्ट किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक